छोरा गंगा किनारे वाला है। दोस्तों हम गंगा की रेती पर हैं और एक ऐसे डांसर के साथ हैं जिसने 2 महीने में 1 मिलियन सब्सक्राइबर लोगों को, मतलब इनके 2 महीने में 1 मिलियन सब्सक्राइबर हुए थे। ऐसे हम सनी के साथ, पूरा नाम क्या है सनी? सनी आर्या। सनी आर्या एक बड़े यूट्यूबर हैं और हम इस समय गंगा के रेती पर हैं। आपने इनका देखा किस तरह से वर्जिश करते हैं, किस तरह से वार्म अप करके शरीर को गर्म करते हैं और गर्म करने के बाद फिर नृत्य करते हैं। आज इनके दीवाने सनी के, इस शहर में तू जैसे दीवाने हजारों हैं, या किस या गीत सुने हो? हाँ। इन आँखों की मस्ती के दीवाने हजारों हैं। एक तुम ही नहीं तन्हा महफिल में मेरे रुसवा, इस शहर में तू जैसे दीवाने हजारों हैं। यह उमराव जान की लाइनें सनी पर सटीक बैठती हैं। पूरे विश्व के लोग इन्हें देखते हैं और इस समय इनके चैनल पर लगभग 16 लाख प्लस सब्सक्राइबर हैं। तो सनी ने जो अवार्ड जीता है उसको देख करके आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे और कहेंगे कि इस इतनी कम उम्र के लड़के ने ऐसे कैसे किया है। एक बार मैं उधर भी ले चलता हूँ और दिखाता हूँ आपको जो इन्होंने पुरस्कार जीता है। सनी, बात करते हुए चलते हैं, यह मन में कैसे आया और कितना दिन हो गया YouTube चैनल? YouTube चैनल बनाया मुझे 3 साल हो गया, और वैसे मैं डांस बचपन से छोटा था तब से मुझे शौक था टीवी पर आना। अच्छा। और उसी शौक को पूरा करने के लिए आज मैं मेहनत कर रहा हूँ, और आगे तो पब्लिक का सपोर्ट है, और आपको पहले तो दिल से धन्यवाद करना चाह रहा हूँ। और आज मैं बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हूँ, फर्स्ट टाइम हमारे गाजीपुर के किसी ने मेरा इंटरव्यू लेने आया है, और पहले तो आपको दिल से धन्यवाद। शुभकामना। सनी अपने घर के बच्चे हैं, यद्यपि मैं उम्र में बड़ा हूँ, हमसे बड़े यूट्यूबर हैं। इनको सिल्वर और सिल्वर और गोल्ड सब मिल गया है। एक बार सनी सिल्वर और गोल्ड हम दिखाते हैं। बहुत से लोगों ने सिल्वर देखा होगा, 1 लाख जब सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो सिल्वर मिलेगा, लेकिन 1 मिलियन यानी 10 लाख सब्सक्राइबर होने के बाद यूट्यूब गोल्ड देता है, गोल्ड अवार्ड। तो सनी एक बार जो आप ऐसे करते हो, एक बार डॉल्फिन या कुछ करके एक बार फिर से दिखा दो। ऐसे है। हाँ। और कई बार कैसे किया जाता है उसको? तो वार्म अप करके प्रैक्टिस करना पड़ता है। हाँ। तो लगातार होता है। अच्छा अच्छा, एक बार थोड़ा सा, दो बार मतलब। हाँ। हाँ। अरे कोई बात नहीं, ऐसे। वाह, ये है सनी और सनी के दीवाने। सनी के यहाँ बच्चे डांस सीखते हैं, और अभी आपने शानदार इनका डांस देखा। भोजपुरी गीत हो या फिर क्लासिकल हो, सेमी क्लासिकल हो, सब पर कर ले सनी। सनी एक बार दिखाइए सिल्वर और गोल्ड दोनों। हम लोग गंगा के रेती पर हैं, हम हैं गाजीपुर में। एक बार इधर का लोकेशन दिखा रहे हैं, यद्यपि दोपहर होने को है, भगवान सूर्य के दर्शन अभी तक नहीं हो पाए हैं। हमारे दाहिने हाथ की तरफ भगवान भास्कर, इधर से उदय होता है, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण ठीक सामने पूरब होता। बचपन में आपने वैसे देखा होगा। अब देखिए सनी दिखा रहे हैं, यह मामूली बात नहीं है। यह पहले आप सिल्वर देखें, डांसर सनी आर्या, या इसे देखें, यह सिल्वर अवार्ड है, बड़ा मुश्किल से मिलता है, काफी मेहनत करने के बाद मिलता है। और दूसरा यह है, काफी बड़ा होता है, ये डांसर सनी आर्या गोल्डन अवार्ड, ये गोल्डन अवार्ड है। कैसा लगा जब पहली बार सिल्वर? पहली बार तो मेरा एक ड्रीम था इसको पाना, और जब मिला तो मैं बहुत ही ज्यादा खुश था, बहुत ज्यादा। और पहले तो ऑडियंस को दिल से धन्यवाद जो आप लोग इस लायक मुझे समझे और यहाँ तक मुझे लेकर आए। तो जब पहला आया तो खुशी हुई? हाँ, बहुत ज्यादा। पहला आया तो बहुत खुशी, और दूसरा आया तो इतनी ज्यादा खुशी हुई कि लाइफ में सबसे बड़ी खुशी थी ये जब आया तो। बहुत बड़ा क्षण होता है जब अवार्ड मिलता है। अवार्ड एक कलम भी मिलता है तो प्रसन्नता की अनुभूति होती है। और सनी को तो कैलिफोर्निया से भेजा गया है, यूट्यूब ने भेजा है। आप इधर देखिए एक बार, पर ये 10 लाख 10 लाख सब्सक्राइबर पूरे होने पर मिलते हैं। एक बार देखिए यूट्यूब ने दिया है। और यह सोना नहीं होता गोल्ड का मतलब, और इसका मतलब चांदी नहीं होता, लेकिन इसका बड़ा महत्व है, बहुत ज्यादा महत्व है। और अगर बेचेगा आदमी तो काफी पैसा मिलेगा, लेकिन कोई बेचेगा नहीं। अब भाव कभी खटकेगा तो बेचते मेरे साथ कभी होगा तो भैया मैं कह दूंगा कि इसको ले ले कोई। बहरहाल आप सभी कितने अच्छे हैं कि जो भी मेहनत कर रहा है किसी को भाव नहीं खटकेगा, नहीं सनी? अभाव नहीं खटकेगा। तो
तो चैनल का नाम एक बार फिर से बताइए। मेरे चैनल का नाम है डांसर सनी आर्य और मैं अपने चैनल पर डांस सिखाता हूँ और काफ़ी ज़्यादा जनता का सपोर्ट मिलता है और उनके प्यार की वजह से मैं वीडियो बनाता हूँ और हमेशा वीडियो बनाता रहूँगा। तो सनी है गाजीपुर शहर के निवासी, गंगा के किनारे सनी पैदा हुए और यहीं गंगा की माटी में, गंगा की रेती में इन्होंने अभ्यास किया और आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं, आज इतने देश इनको देख रहे हैं। तो सनी छोरा गंगा किनारे वाला, खाई के पान बनारस वाला, पान तो नहीं खाते हो ना? पान और कुछ नहीं खाते। खुल जाए बंद अकल का ताला, मतलब अकल का ताला जो बंद है ना वो खुल जाएगा। किसको देख करके खुल जाएगा? सनी को देख करके खुल जाएगा। सनी उम्र क्या हो गई? 20 हो गई। 20-21 हो गई। यद्यपि जैसे कोई नेता और वेश्या का की उम्र नहीं पूछा जाता, दो लोगों की उम्र नहीं पूछते हैं, नेता भी नहीं चाहता कि हम कभी वृद्ध हों और वो हमेशा जवान अपने को, और वेश्या की उम्र भी नहीं पूछी जाती। तो सनी 20 बसंत पहुंचते पहुंचते 1.5 मिलियन से अधिक इनके सब्सक्राइबर हो गए, तो एक बड़ी तपस्या की बात है। सनी क्या कहना चाहते हो लोगों से जो यूट्यूब चैनल बनाए हैं तमाम लोग? क्या बताना चाहते? पहले तो मैं बता देना चाहता हूँ अपने गाजीपुर की जनता को, आप पूरे विश्व को बताओ, गाजीपुर क्योंकि पूरा विश्व तुम्हें देखते हैं, पूरे विश्व देखते हैं। और पहली बात बता दूं, टैलेंट कभी पूछ करे बड़ा छोटा नहीं होता है। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप किस मुकाम पर जाओगे मुझे खुद नहीं पता। और मेरे पापा ऑटो चलाते हैं और मेरे घर से सपोर्ट नहीं मिलता था और मैं बहुत ही छोटा था, तब से डांस करते आ रहा हूँ और आज यूट्यूब के जरिए मैं अपनी अच्छी खासी लाइफ, मतलब मेरे लाइफ पहले से बहुत बेटर हो चुका है। पहले क्या करते थे सनी? पहले मैं पढ़ता था, पढ़ाई मन नहीं लगता, पढ़ाई में मन नहीं लगता था और स्कूल में भी बहुत पिटाते थे, हम जाते थे ऐसे छड़ी से मारते थे, छड़ी से मारते थे, मुख बदते थे, नहीं मुख का सही बात है, अब मुर्गा बनाते दिख नहीं, मुर्गा बनाता बचपन। कैसे 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 बनते थे, कैसे बनते थे थोड़ा बताओ, कैसे बनते थे? हाँ हाँ हाँ, चलो मान लो मैं ही टीचर हूँ और आज मैं दंड दे रहा हूँ, चलो मुर्गा बन जाओ। आ जाओ, अच्छे बच्चे, अच्छे बच्चे। तो सनी, सनी प्रेरणा स्रोत है युवाओं के। दोस्तों, बेरोजगारी सबसे बड़ा कलंक है और बेरोजगार ही अपराध के मूल में है। हम प्रधानमंत्री जी से भी कहना चाहेंगे, मुख्यमंत्री जी से भी, कि अधिक से अधिक रोजगार उत्पन्न किया जाए, रोजगार दिया जाए। जब रोजगार नहीं रहेगा तो फिर बच्चा अपराध नहीं करेगा, नहीं मोबाइल पर, मोबाइल में बैलेंस डलवाने के लिए, वो नेट पैक भरवाने के लिए वो चोरी करेगा, कहीं ना कहीं परिवार से करेगा, समाज में करेगा। इसलिए सब आत्मनिर्भर हो कहने की बात नहीं है, क्रिया रूप में उसे करना पड़ेगा। तो सनी आज पैसे भी कमा रहे हैं, कोई भी यूट्यूबर नहीं बताता कि कितना हमको मिल रहा है, लेकिन उतना मिल रहा है जितने की नीड है, मतलब कोई 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 छोटा मोटा काम ना रुके। ये सनी कैमरा भी इनका है, देखिए सनी आर्या, और यह है कौन सा है, कैनन 200। कैमरा भी मैंने यूट्यूब के पैसा से लिया है और मैं जो कुछ भी आज हूँ अपने यूट्यूब को बदौला ऐसा मिल जाता है कि मेरा घर चल जाता है और अच्छी एक लाइफ जी सकता हूँ यूट्यूब के जरिए। अब देखिए, अब कहना है कि भैया हमको ऊपर वाले ने रविवार को नहीं बनाया है, अच्छे सांचे में हमको नहीं ढाला है। अब एक डब्बू अंकल है, डब्बू अंकल को देखे हो? आपके आ जाने से दिल बहलता है मेरा। डब्बू अंकल, अब डब्बू अंकल का पेट निकला हुआ है मेरे जैसा, मुझसे अधिक निकला है, और डब्बू अंकल के बाल भी झड़ गए हैं, और डब्बू अंकल अपने साले के लड़के की शादी में ऐसा नाचे के, और उनका वीडियो इतना वायरल हुआ, दुनिया के लोग उनको पसंद करने लगे, दुनिया के लोग पसंद करने। तो भैया परमात्मा ये गुण तो सभी को देता है, कोई ऐसा बाकी नहीं है, क्यों सनी? हाँ। जिसको एक अतिरिक्त गुण न दे और उसको भुनाने की आवश्यकता है। मेरा तो मानना है कि इंसान के अंदर एक टैलेंट जरूर होता है, उसको पहचानने की फर्क होता है। कुछ लोग तो लोगों के दबाव की वजह से, मान लीजिए मैं हूँ तो मेरा बाल ऐसा है तो गांव के लोग कहते हैं कि अरे वो ऐसा रहता। मेरी लाइफ है, मैं अपने लाइफ में क्या करना चाहता हूँ, काम तो सब करता है, कुछ ऐसा करो कि लोग आपको जाने, आपके नाम से जाने, आप जहाँ खड़े हो जाओ वहाँ पे चार लोग जाने। ऐसे कि मैं कहीं जाता हूँ तो चार लोग मुझे पहचानते हैं, सनी आ रहे जा रहा, तो कुछ अलग करोगे तब लोग आपको जानेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, अलग करोगे तभी जानेंगे, साधना करोगे तब जानेंगे, कठिन परिश्रम करोगे तब, केवल बात करने से काम नहीं होता, काम तो करना पड़ेगा। सनी क्या है, जैसे कब उठते हो, सपना कैसे देखते हो, सुबह क्या करना है? मेरा सपना बहुत बड़ा है, मेरा रियलिटी शो में आने का सपना है, और सोचता हूँ ना तो कभी कभी ये मन करता है कि अब घर से तो इतनी छूट मिलती नहीं, और मेरे पापा तो कलेक्टर डीएम है नहीं कि मुझे भेज दें अमेरिका, जाओ बेटा पढ़ो चाहे ये करो, और जो करना है खुद से करना है। और मैं डांस सिखाता हूँ और यूट्यूब से जो पैसा आता है, अपने कहीं भी आता जाता हूँ सब कुछ यूट्यूब से ही देखता हूँ,
यूट्यूब ना रहे तो मैं मजदूरी करना पड़े मुझे। सनी कैसे सिखाते हो, कितने बच्चे होंगे इस समय? हमारे यहाँ बच्चे 50-60 बच्चे होंगे। अच्छा, तो लड़के लड़कियाँ भी हैं? लड़के लड़कियाँ दोनों सीखते दोनों हैं, दोनों सीखने आते हैं, दोनों सीखने आते हैं और यहाँ सनी सिखाते हैं रौजा पर खोवा मंडी में। मेरा डांस क्लास का नाम है आर्या डांस इंस्टीट्यूट और ये खोवा मंडी, न्यू खोवा मंडी आर्या डांस इंस्टीट्यूट। अच्छा, यह कैसे मिलेगा, जैसे किस नंबर से संपर्क करेंगे? संपर्क देखो, परेशान होंगे बहुत लोग, फोन करेंगे सोच के बताना। नहीं, नंबर नहीं देख सकता हूँ, अगर आप इंस्टाग्राम पर चाहो तो संपर्क कर सकते हो, नंबर दूंगा तो बहुत ज्यादा। सनी सनी पहले से सतर्क है तो इंस्टाग्राम पर कैसे सर्च करेंगे लोग, क्या करेंगे? डांसर सनी आ रहे, आप लोग इंस्टाग्राम पर डाल सकते हैं और इंस्टाग्राम पर मुझे उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। और भगवान शंकर भी नृत्य करते थे, जब नृत्य करते थे तांडव नृत्य तो पूरा भूमंडल और ब्रह्मांड गिर जाता था, और भगवान कृष्ण भी करते थे, गोपियों के साथ करते थे। तो डांस एक तपस्या है, डांस एक साधना है, डांस एक व्यायाम है और डांस एक कला है। डांस एक ऐसा चीज है कि आप हमेशा फिट रहोगे और हर एक चीज से फिट रहोगे, बॉडी में लगा कि हाँ कुछ एनर्जी है। चलो भैया, अब हम तो नहीं किए अभी तक और हमें आएगा भी नहीं और करेंगे भी नहीं, लेकिन झूमता हूँ, झुमाता भी हूँ, ऐसे मजा आता है। गीत उत सुनता हूँ तो थोड़ा ऐसे मजा आता है नहीं। तो दोस्तों, हम हैं सनी आर्या के साथ, एक बड़े यूट्यूबर हैं, गाजीपुर के मूल निवासी हैं और छोरा गंगा किनारे वाला। पान नहीं खाना है, कभी कभी खा लेना है महीने में। नहीं नहीं, मैं कुछ ना, महीने में एक बार सादा पान खा लेना है, तो उससे क्या है कि कैल्शियम मिलेगा। चूना से, चूना लगाना नहीं है किसी को, नहीं लगाना है, चूना लगाना भी नहीं है और कोई चूना लगाए भी ना। और क्या करना है, लोगों को अधिक से अधिक बांटना है। आप देखिए इधर गंगा के किनारे चारों तरफ लोग दिख रहे हैं, यहाँ पे बहुत ही शानदार नजारा, यहाँ पर आकर मन को सुकून मिलता है, यहाँ शुद्ध वातावरण है, लेकिन गंगा को हमें अपवित्र नहीं करना है, कचरा नहीं फैलाना है। यह जिम्मेदारी हमारी है, यह जिम्मेदारी किसी शासन सत्ता की नहीं है, ये आम जन की जिम्मेदारी है। गंगा हमारी है और गंगा हमारी ठीक रहे। तो दोस्तों, आज के दिन इतना ही। मैं हूँ ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडे BBM वर्ल्ड से, और एक बड़े यूट्यूबर सनी आर्या के साथ जो गाजीपुर छोरा गंगा किनारे वाला। बहुत बहुत धन्यवाद।